यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही जिला कांगड़ा के अंतर्गत ज्वाली में जिला स्तरीय बैसाखी मेला धूमधाम के साथ मनाया गया। दो दिवस के इस मेले में बैसाखी संक्रांति के दिन इलाके के हजारों लोगों ने देहर खड्ड के किनारे ऐतिहासिक मिनी हरिद्वार में डुबकी लगाई। आज मेले के आखिरी दिन देहर खड्ड के किनारे विशाल दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के बड़ी संख्या में नामी गिरामी पहलवानों ने भाग लेकर अपनी पहलवानी के जौहर दिखाए। इस दंगल का कार्यक्रम का शुभारंभ ज्वाली के विधायक ठाकुर अर्जुन सिंह ने किया और इस दंगल मुकाबले में बड़ी मुकाबला सुखपाल पहलवान और सोनू पहलवान के बीच हुआ, जिसमें सुख पहलवान विजेता रहा। इससे पूर्व मेला कमेटी द्वारा विधायक अर्जुन सिंह के नेतृत्व ज्वाली में परंपरागत पगड़ियां पहनाकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर विधायक अर्जुन सिंह ने लोगों को बैसाखी मेले और हिमाचल की बधाई देते हुए कहा कि मेला हमारी संस्कृति की धरोहर है, इससे हमारा आपसी भाईचारा बढ़ता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़कों के रखरखाव पर इस साल 100 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश में सड़कों की दशा सुधरेगी। ज्वाली में बैसाखी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इसके लिए भी मैं अपनी तरफ से बैसाखी की मेला कमेटी को, इसके सारे साथियों को जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को संबोधन दिया है, उसमें हाल ही में जो बजट पास हुआ है, उसमें इस समाज का, हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूटा जिसको इस बजट से लाभ ना हो।